में सत्ता का महाकुंभ की करते हैं शुरुआत। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, संत समाज की ओर से राम मंदिर के लिए आवाज लगातार बुलंद होती चली जा रही है। कुंभ में होने वाली धर्म संसद से ठीक पहले द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो सरकार की मुश्किलें और मुसीबतें बढ़ाने वाला है। देखिए, हौसला कांग्रेस मंदिर बना दे, ये लोग राम को भगवान नहीं मानते। जैसे बाबरी मस्जिद टूट गई वैसे राम मंदिर बन जाएगा। चुनाव से हमारा कोई लेन देन नहीं, जनता की जो मांग है उसको पूरी करने के लिए आगे जाएंगे। संत समाज का भरोसा सरकार से टूटा तो अब देश की सर्वोच्च अदालत से भी जल्द न्याय मिलने की उम्मीद बची नहीं, और इसीलिए तैयारी अब अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के शिलान्यास की है, जिसकी अगुवाई करने का ऐलान खुद द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने की है। हालांकि अयोध्या कूच की तारीख कौन सी होगी, इसका फैसला 28 जनवरी से शुरू होने वाली धर्म संसद में लिया जाना है। धर्म संसद बैठ रही है, वो ये निर्णय करेगी कि कब जाना चाहिए और किस तरह से जाना चाहिए। मतलब जल्दी ही जाएंगे कुंभ मेले के बाद, यहाँ से कुंभ मेले के बाद जल्दी जाएंगे। राम मंदिर पर देरी से संत समाज पहले ही मौजूदा सरकार से नाराज है, और उसकी ये नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। संतों को खुश करने के लिए योगी सरकार ने इस कुंभ में 4,200 करोड़ रुपए बहाए हैं, और करोड़ों की लागत से सरयू के किनारे भगवान राम की प्रतिमा बनाने का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन संत समाज ने इसे मंदिर के मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया है। ये कह रहे हैं कि हम सरयू के किनारे 8 एकड़ जमीन में एक विशाल पुतला रामचंद्र जी को खड़ा करेंगे, जिसमें 3,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो आप देखिए, अगर यही हो जाएगा तो मंदिर की तरफ कौन देखे। तो हम लोग तो ये चाहते थे कि राम मंदिर जन्मभूमि में बने और विधिवत बने, और ये लोग पुतला खड़ा कर रहे हैं। भरोसा मोदी और योगी सरकार से टूटा तो संतों का एक खेमा अब कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। कल तक मोदी का नाम जपने वाले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को उम्मीद है कि कांग्रेस ही राम मंदिर का सपना पूरा करेगी। कांग्रेस ने ताला तोड़वाया, कांग्रेस ने पूजा कराया, हो सकता कांग्रेस मंदिर बना दे, कोई असंभव कार्य थोड़ी है, हो सकता उसी राज्य मंदिर बन जाए। लेकिन राम मंदिर पर संत समाज खुद ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है। दावों में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि नरेंद्र गिरी की बात से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती इत्तेफाक नहीं रखते। कोई भी पार्टी हो और पार्टी सरकार बनकर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं बना सकते। राम मंदिर पर संत समाज भी दुविधा में है, इसीलिए बयानों में अंतर है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि सत्ता को अपनी ताकत से रूबरू कराने के लिए कुंभ के बाद लाखों संतों का अगला पड़ाव अयोध्या होगा, जिसमें हथियारबंद नागा साधु भी शामिल होंगे। निर्णय लिया है कि कुंभ के बाद 4 मार्च के शिवरात्रि, उसके बाद ये बैठक हमारी दो और होगी कि यहाँ से सारे साधु महात्मा अयोध्या चले, वहीं भजन करें, वहीं दाल बाटी खाएं, वहीं राम का नाम लें। जब राम का आदेश होगा तो राम मंदिर बन जाएगा। जैसे बाबरी मस्जिद टूट गई वैसे राम मंदिर बन जाएगा, बनाएगा। आंदोलन का स्वरूप होगा, एक तरीके का आंदोलन हम देखेंगे कि लाखों करेंगे, वहां जाके निर्णय करेंगे, वहां जाके निर्णय करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। शांतिपूर्वक रहेंगे, बोलो सारे नागा साधु भी जाएंगे, सब वहां शांतिपूर्वक रहेंगे। राम का आदेश होगा तो राम मंदिर बना देंगे, तुरंत बना दिया जाएगा। पूरे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को है, मतलब धर्म संसद खत्म होने से ठीक एक दिन पहले, और मुमकिन है कि कोर्ट के इस फैसले का असर भी धर्म संसद पर दिखेगा। धर्म संसद के जरिए राम मंदिर पर क्या बड़ा फैसला लिया जाता है, और सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए साधु संत क्या करते हैं, ये देखना रहेगा बेहद महत्वपूर्ण। चले आगे बढ़ते हुए बात अब नागा साधुओं की कर लेते हैं। ये शब्द जेहन में आते ही कई सवाल अपने आप में कौन जाते हैं। हर शख्स जानना और समझना चाहता है कि आखिर कौन है ये रहस्यमय साधु, कुंभ में वो इतना आकर्षण कैसे पैदा कर रहे हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको ऐसे ही साधुओं के सीक्रेट संसार में। बड़ी बड़ी जटाओं वाले साधु, बिना कपड़ों के रहने वाले साधु, जिस्म पर भस्म और मस्तक पर आड़ा भभूत मलने वाले साधु,
हाथों में चिमटा, चिलम और कमंडल लेकर चलने वाले साधु। किसी भी कुंभ की सबसे दिलचस्प तस्वीर यही होती है, कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण यही होते हैं। ये नागा साधु हैं जिनके कुंभ में एंट्री आम श्रद्धालुओं को एक अलग ही रहस्य लोक में ले जाती है। नागा साधुओं की अहमियत इतनी है कि कुंभ में शाही स्नान भी इनसे ही शुरू होता है। आखिर ये नागा साधु हैं कौन, ये आते कहां से हैं, ये रहते कहां हैं और ये नागा साधु बनते कैसे हैं, ये जानना उतना ही रहस्यमयी है जितने रहस्यमयी ये नागा साधु दिखने में लगते हैं। नागा साधुओं का अपना संसार ऐसे अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। ये ऐसे रहस्य हैं जो नागा साधुओं को कुंभ में उत्सुकता का केंद्र बना डालते हैं। हर नजर उनकी तरफ होती है, वो इसलिए क्योंकि नागा साधुओं की अपनी ही एक दुनिया है। केदारनाथ में इतनी बर्फ पड़ती है, क्या वहाँ भी आप इसी भेष में रहते हैं? जी हाँ, हम वहाँ भी इसी भेष में रहते हैं और वहाँ भी हम लोग भस्मी रमाते हैं, मात्र एक चद्दर और ओढ़ लेते हैं। भोलेनाथ की विशेष भक्ति करते हैं, उससे हमें वो शक्ति प्राप्त होती है, उसको हम लोग धारण करते हुए अपने आप में शिव भक्ति में लीन रहते हुए ठंडी को हम लोग भूल जाते हैं, मात्र भक्ति को याद रखते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नागा साधु धर्म योद्धा के तौर पर जाने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने विदेशी आक्रांताओं से धर्म की रक्षा के लिए धर्म रक्षा सेना तैयार की थी। इसमें ऐसे युवाओं को शामिल किया गया था जो कठोर साधना और नियमों का पालन करते हुए धर्म की रक्षा कर सके। शंकराचार्य की वजह से ये लड़ाके तैयार हुए जिन्हें नागा साधु कहा जाता है। नागा तो ये है फौज, असली कहे तो ये है फौज। पहले जब मुसलमान के अमल में हम लोग को यहाँ जब अटैक करते थे तो नागा फौज बहुत लड़ाई लड़े पुराना जमाना में, तो ये फौज जब आए हम लोग को गणतांत्रिक, तब से हम लोग फौज शास्त्र छोड़ के हम लोग शास्त्र पकड़ लिया। नागा साधुओं के रहस्य लोक को समझने की दिलचस्पी इसलिए भी ज्यादा जगती है क्योंकि उनकी जीवन शैली चौंकाती है। बगैर कपड़ों वाले साधुओं को देखना किसी के लिए भी हैरान करने वाला अनुभव होता है। नग्न का मतलब होता है दिगंबर का रूप, बालक है माँ के पास, नग्न ही रहता और उसको कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए नागा जो है गंगा में स्नान करते हैं, उसको माँ के तुल्य मानते हैं। जो कि दिगंबर निराकार है, जो शिव दल है वो निराकार है, इस कारण से हम लोग नागा भस्म धारण करते हैं। चाहे कोई भी मौसम, कोई भी समय हो, नागा साधु बिना कपड़ों के होते हैं। नए नागा साधु को पहले सिर्फ लंगोट ही पहनाया जाता है, लेकिन कुंभ में अंतिम दीक्षा के बाद नागा साधु को लंगोट भी त्यागना होता है। ये ठंड के सब कुछ जय करना है, ये ठंड का ये जय करना है इसको, ठीक है, ये तो जय करके रखा हूँ। ठंड ठंड है, मैं हूँ, भस्मी है गुरु महाराज का चढ़ा हुआ, आप लोग स्वेटर पहने हैं, मैं नंगा हूँ, कभी महसूस नहीं होता है ठंड। तपस्या है, यही है तपस्या, क्या किया जिंदगी में, कुछ नहीं, ये तपस्या है। बिना कपड़े वाले अपने पूरे बदन पर नागा साधु भस्म मल देते हैं। ये गौ के गोबर की होती है, फिर इसको दूध में शुद्ध करके, दूध में पानी में इसको धोके और शुद्ध करके इसका गोला बना के सुखा के और फिर उसको अग्नि में शुद्ध करते हैं, फिर उसको पीस के और कपड़ छन करके फिर धारण करते हैं। समय तो लग ही जाता है, दो पाँच दिन सात दिन लग जाता है बबूती बनाने में, फिर वो इकट्ठा तैयार करते हैं महीने छः महीने का। अच्छा, तो छः महीने का इकट्ठा तैयार करके जी, उसके बाद रोज दो बारी धारण करते हैं। हाँ, नित्य सवेरे शाम दोनों टाइम धारण करते हैं। दरअसल नग्न अवस्था में ये भस्म या भभूत ही नागा साधुओं का वस्त्र होता है। बदन पर मली गई ये भभूत इन नागा साधुओं को बहुत सारी आपदाओं और संकटों से भी बचाती है। ये भभूत इन साधुओं की मच्छरों और वायरल से भी रक्षा करती है। कहा जाता है कि नागा साधुओं का प्रमुख श्रृंगार ये भभूत ही होता है। नागा साधुओं के लिए
कुंभ इसलिए भी खास होता है क्योंकि कुंभ के दौरान नए नागा साधुओं को दीक्षा दिलाई जाती है। नागा साधु अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं, इन्हें अखाड़े का सैनिक भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक धर्म के सैनिक होने के नाते नागा साधुओं को श्रेष्ठ स्थान हासिल है। यही वजह है कि कुंभ का शाही स्नान भी इनके स्नान के साथ ही शुरू होता है। नागा साधुओं की टोली जब संगम पर स्नान के लिए पहुंचती है तो पूरे घाट को खाली करा दिया जाता है। भगवान शिव के उपासक नागा साधुओं की अपनी ही दुनिया है, जिसमें कहीं वो भस्म मने तो कहीं धूनी रमाए दिखते हैं, यही इनकी पहचान भी है। आप लोग कभी बाल नहीं बनवाते, कितने साल से ये आपने ऐसे बाल रखा? ये हमारी 14 साल की जटा है। अच्छा जी, कब तक रखेंगे? ये वर्तमान में मैं आपको दर्शन भी करा सकता हूँ, ये कितनी लंबी है आपको अनुमान होगा, हमारे शरीर से लंबी है। अच्छा। हाँ जी, आप लोगों को अभी तसल्ली हो जाएगा, पूर्ण दर्शन करेंगे जब आपको तसल्ली। 14 साल से आपने इसी तरह से ये रखा? हाँ जी, ये इतनी लंबी जटा जो है, मतलब इसको कैसे आप लोग बचा के रख? इसको सिर्फ कंघी नहीं लगाते हैं। हाँ, कंघी नहीं चलता है नहीं। नागा साधुओं के साथ सबसे रहस्यमयी चीज जुड़ी होती है और वो है इनकी दीक्षा। ये इतनी गोपनीय और इतनी कठिन होती है कि कोई व्यक्ति इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता है। आखिर ये नागा साधु तैयार कैसे होते हैं, इन नागा साधुओं की दीक्षा कैसे होती है और इन्हें नागा साधु बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सब कुछ बताएंगे आगे। नागा साधु कुंभ के सबसे रहस्यमयी साधु। नागा साधु चूंकि धर्म के योद्धा माने जाते हैं, लिहाजा इनकी दीक्षा भी एक सैनिक की तरह ही होती है। आखिर धर्म योद्धा बनने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ता है, किस तरह से तैयार करना पड़ता है खुद को, अब वो जानिए। क्या कोई यकीन कर सकता है कि नागा साधु को तैयार होने में पूरे 12 साल लगते हैं? जी हाँ, 12 साल यानी एक महाकुंभ की अवधि। लेकिन नागा साधु को यहाँ तक पहुँचने में बहुत कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है, वो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती। जो ये तीन शाही स्नान होते हैं, दो शाही स्नान के पश्चात नागा संस्कार की प्रक्रियाएं शुरू होती है। प्रथम ब्रह्मचारी बनाया जाता है, उसको फिर 6 साल बाद महापुरुष बनाया जाता है और 12 वर्ष पश्चात उसको कुंभ में ला करके और उसका दो शाही स्नान के पश्चात उसका संस्कार विधि हवन होता है, विजया हवन संस्कार होते हैं। फिर गंगा जी में जा करके उसका 108 डुबकी लगाते हैं। उसके पश्चात तृतीय शाही स्नान में से जब वो वापस आते हैं तो उनकी इंद्रिय को शुथल किया जाता है, उनको नागा स्वरूप का झटका दिया जाता है। नागा साधु बनने की जो शर्तें होती हैं, उनमें कुछ अहम हैं। आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहना, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना, लंगोट छोड़कर जिंदगी भर निर्वस्त्र रहना, तलवार भाली और लाठियां चलाने में निपुण होना और खुद का पिंडदान कर देना। पिंडदान जो होता है एक मृत जीव का होता है और जो जिंदा दिख रहा है वो खाली दिख रहा है बस। दिखने में भले ही सब एक से लगे, लेकिन नागा साधु दो तरह के होते हैं, एक बर्फानी नागा और दूसरे खूनी नागा। जिन्हें हरिद्वार के कुंभ में दीक्षा दी जाती है वो हुए बर्फानी नागा, जिन्हें उज्जैन के महाकुंभ में दीक्षा दी जाती है उन्हें खूनी नागा साधु कहा जाता है। हालांकि देश की आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य रेजिमेंट वाला चरित्र त्याग दिया, लेकिन नागा साधुओं की परंपरा ज्यों की त्यों चली आ रही है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।